नमस्कार दोस्तों, इस सेशन में हम साइंस और टेक्नोलॉजी का वीकली करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। यह हमारा वीकली करंट अफेयर डिस्कशन का वीकली शेड्यूल और ये हमारा जीएस की लाइव क्लासेस का शेड्यूल। शाम को 3 बजे से 5 बजे तक स्टेट पीसीएस की क्लासेस चलती हैं और शाम को 6 से 8 बजे तक यूपीएससी की लाइव क्लासेस चलती हैं। आइए देख लेते हैं हमारा आज का एजेंडा क्या है। आज हमारे पास टोटल 4 टॉपिक है डिस्कस करने के लिए। पहला टॉपिक है डार्क मैटर डिटेक्टर, दूसरा है क्रिस्पर कैस 9, ये एक टेक्नोलॉजी है, इसको देखेंगे। BTI स्ट्रेन के बारे में देखेंगे और पोप फेम क्या है इसके बारे में देखेंगे। ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है प्री 2023 के लिए पोप फेम इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए चलते हैं अपने आज के पहले टॉपिक पे। हमारा आज का पहला टॉपिक है डार्क मैटर डिटेक्टर, LUX ZEPLIN, लक्स जेपलिन। यह एक तरीके का मशीन है जो डार्क मैटर को डिटेक्ट करता है और लक्स जेपलिन ने अपना पहला परिणाम जारी किया है, इसीलिए यह चर्चा में है। आइए देखते हैं ये है क्या, डार्क मैटर डिटेक्टर है क्या। यह एक भूमिगत डिटेक्टर है जो अब तक का बनाया गया सबसे संवेदनशील डार्क मैटर डिटेक्टर है। इसके पहले भी डार्क मैटर डिटेक्टर बनाए जा चुके हैं, लेकिन लक्स जेपलिन अब तक का सबसे संवेदनशील डार्क मैटर डिटेक्टर है। इसे WIMP वीकली इंटरेक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स के रूप में डार्क मैटर का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये WIMPs क्या है? ये WIMPs ये एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल है जिसे साइंटिस्ट ने एज्यूम किया है और इसका नाम दिया है वीकली इंटरेक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स। और यह एक डार्क मैटर के लिए किसी न किसी चीज़ से तो बना ही होगा डार्क मैटर, तो उसका हम एलिमेंट्री पार्टिकल के रूप में ये नाम दे दिए हैं WIMPs। और उस बहुत सारे नाम दिए, जैसे हम लोग हमारे लिए अभी जो विजिबल मैटर है उसमें हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सारे नाम दिए हैं, वैसे डार्क मैटर के लिए साइंटिस्ट ने बहुत सारे हाइपोथेटिकल नाम दिए हैं। उनमें से एक है WIMPs, वीकली इंटरेक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स। इसकी कोई आधिकारिक परिभाषा नहीं है, लेकिन हम इसको इतना कह सकते हैं कि यह एक एलिमेंट्री पार्टिकल है। WIMPs एक एलिमेंट्री पार्टिकल है जो कि ग्रेविटी के साथ, गुरुत्व बल के साथ क्रिया करता है। ये लक्स जेपलिन का जो केंद्र है, लक्स जेपलिन जहाँ पे ये US में स्थापित किया गया है, डार्क मैटर डिटेक्टर USA में स्थापित किया गया है। और ये जिस जगह स्थापित किया गया है वह पृथ्वी के सबसे शुद्ध स्थानों में से एक है। शुद्ध स्थानों का मतलब क्या है? वहाँ पे विकिरण और धूल बिल्कुल भी नहीं है, मतलब एज लो एज पॉसिबल विकिरण और धूल जिस स्थान पे है वह लक्स जेपलिन का केंद्र बनाया गया है। और लक्स जेपलिन का केंद्र कहाँ है? USA, ये साउथ डकोटा एक स्टेट है, वहाँ पे डार्क मैटर डिटेक्टर स्थापित किया गया है। आइए देखते हैं डार्क मैटर है क्या, डार्क मैटर हम इसको कैसे समझेंगे। एक तो होता है विजिबल मैटर और एक होता है इनविजिबल मैटर। तो जो हम लोग देख पा रहे हैं वह दृश्यमान ब्रह्मांड होता है, वह विजिबल मैटर से बना होता है। दृश्यमान ब्रह्मांड विजिबल मैटर से बना होता है, जिसे हम देख सकते हैं। दृश्यमान मैटर से बना हुआ ब्रह्मांड दृश्यमान ब्रह्मांड है, जिसे हम अभी देख पा रहे हैं वह प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। और यही प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एक साथ मिलके परमाणु का निर्माण करते हैं, परमाणुओं में एक साथ बंधे हुए हैं। और ये परमाणु एक दृश्यमान पदार्थ का निर्माण करते हैं और उसी पदार्थ से हमारा दृश्यमान ब्रह्मांड निर्मित होता है।
इस ब्रह्मांड में उपस्थित दृश्यमान पदार्थ को बोरियानिक पदार्थ भी कहते हैं। दृश्यमान पदार्थ को बोरियानिक पदार्थ कहते हैं। इसको इस टर्म को याद रखिएगा, बोरियानिक पदार्थ दृश्यमान पदार्थ को ही कहते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने होते हैं। ये साधारण मैटर भी, साधारण मैटर ऑर्डिनरी मैटर भी इसको कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने रहते हैं। और बोरियानिक पदार्थ ब्रह्मांड का सिर्फ और सिर्फ 5% है। जो हम लोग जान रहे हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन के बारे में, ये सिर्फ और सिर्फ 5% ही है। दृश्यमान ब्रह्मांड संपूर्ण ब्रह्मांड का 5% है जितना हम जान सकें। और शेष ब्रह्मांड एक अदृश्य पदार्थ और अदृश्य एनर्जी से मिलके बना है जिसे हम डार्क मैटर और डार्क एनर्जी कहते हैं। यह ब्रह्मांड का डार्क मैटर ब्रह्मांड का लगभग 25% है और डार्क एनर्जी 70%। अब टोटल मिलाएंगे 70 + 25 + 5, तो संपूर्ण ब्रह्मांड फिर 100% आपका आ जाएगा। उसमें से 70% डार्क एनर्जी है और 25% डार्क मैटर। अब ये डार्क मैटर है क्या, इसको कैसे आप समझेंगे डार्क मैटर क्या है? यह विद्युत चुंबकीय बल के साथ अंतर क्रिया नहीं करता। विद्युत चुंबकीय बल के साथ अंतर क्रिया न करने का मतलब क्या है कि यह ना तो प्रकाश को अवशोषित करता है और ना ही उत्सर्जित या परावर्तित करता है। अब ये प्रकाश, विद्युत चुंबकीय बल का प्रकाश से फिर क्या लेना देना, इसका लेना देना है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि लाइट क्या है, प्रकाश और कुछ नहीं, यह सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है लाइट, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप इसको ऐसे समझते हैं कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, लेकिन डार्क मैटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के साथ क्रिया ही नहीं करता, तो उसे वह ना तो अवशोषित करेगा, ना ही उत्सर्जित करेगा और ना ही परावर्तित करेगा। अवशोषित उत्सर्जित कोई उसे करता जिसके साथ क्रिया करे, और ये डार्क मैटर विद्युत चुंबकीय बल के साथ क्रिया नहीं करता है, बल्कि यह गुरुत्वाकर्षण के साथ क्रिया करता है। डार्क मैटर गुरुत्वाकर्षण के साथ क्रिया करता है और यह ब्रह्मांड को बांधे रखने में, जैसे एक आपका ये ब्रह्मांड है तो इसको, ये पूरे ब्रह्मांड के लगभग 25% हिस्से पे डार्क मैटर है और यह एक बॉडी को दूसरे बॉडी से बांधे रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है डार्क मैटर। अब अगला टर्म है डार्क एनर्जी, जो कि ब्रह्मांड का लगभग 70% भाग है। ब्रह्मांड का 70% भाग डार्क एनर्जी से निर्मित है, डार्क एनर्जी से निर्मित है। अब ये डार्क एनर्जी क्या है, यह गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत कार्य करता है, यानी कि यह एंटी ग्रेविटी है। एंटी ग्रेविटी है, डार्क एनर्जी एंटी ग्रेविटी है और ये गुरुत्व बल को प्रतिकर्षित करती है। और यही एक एनर्जी है, डार्क एनर्जी एक अनजानी कोई ऊर्जा का ऊर्जा है जो ब्रह्मांड के विस्तार की दर को तेज कर दे रहा, जबकि यह धीर, जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल जो थ्योरीज थी वो ये कहती थी कि ब्रह्मांड का विस्तार धीरे धीरे स्लो डाउन होता जाएगा, स्लो डाउन होता जाएगा। लेकिन अब ये नए निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि ब्रह्मांड के विस्तार की दर तेज हो रही है, इसका कारण डार्क एनर्जी की मौजूदगी है। इसको, इसके बारे में साइंटिस्ट अभी कुछ नहीं जान रहे हैं, इसीलिए इसकी डिफिनेशन मैं भी आपको नहीं बता पाऊंगा, मुझे भी नहीं पता। अब ये डार्क मैटर या डार्क एनर्जी का अध्ययन हम लोग क्यों करते हैं, हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इससे हमको ब्रह्मांड के विकास, तारों की उत्पत्ति और ग्रहों की उत्पत्ति को समझने में सहायता मिलेगी। अगर हम डार्क मैटर या डार्क एनर्जी को समझ सकें तो इससे हमारे ब्रह्मांड का विकास कैसे हो, जैसे अभी आपको बताया कि डार्क मैटर ब्रह्मांड के विस्तार की दर को तेज कर रहा है, उसी जब हम इसको जान जाएंगे कि क्यों तेज कर रहा है, तो धीरे धीरे हम इसके पीछे भी जाके, बैक टाइम में जाके हम ये समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार कैसे हुआ। इससे तारों की उत्पत्ति समझने में सहायता मिलेगी और यह निर्धारित करने में हमको मदद मिलेगी कि ब्रह्मांड मुक्त है, बंद है या सपाट है। मुक्त है का मतलब अभी इसका विस्तार जारी है, ये ब्रह्मांड की कोई बाउंड्री नहीं है, ये अभी विस्तार जारी है या इसकी कोई बाउंड्री है, ये यहाँ से मानते स्टार्ट हुआ, ये यहाँ पे जाके ख़त्म हो जाएगा।
एक विस्तार एक सीमा तक विस्तार करेगा फिर समाप्त हो जाएगा, या कि फिर विस्तार करता जाता है, इसकी ना कोई बाउंड्री है ना ये मुक्त है, ये एक पॉइंट से स्टार्ट होता है, ये चारों तरफ विस्तार करता जाता है, जब ये प्रतिसंतुलित हो जाती है इसकी ऊर्जा तो यह रुक जाता है, इसका विस्तार और इसका संकुचन दोनों रुक जाता है। ये अभी हम लोगों को साइंटिस्टों को क्लियर नहीं है कि ब्रह्मांड मुक्त है या बंद है या सपाट है, इसे निर्धारित करने के लिए डार्क मैटर का अध्ययन जरूरी हो जाता है। आइए हम अपने आज के दूसरे टॉपिक पे चलते हैं जो कि है क्रिस्पर कैस 9। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है पहले। इसका इस टेक्नोलॉजी का ये इसका एक्रोनियम का पूरा नाम है क्लस्टर्स रेगुलरली इंटरस्पेड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट एसोसिएटेड प्रोटीन 9। इसको शॉर्ट में क्रिस्पर कैस 9 कहते हैं। यूपीएससी भी क्रिस्पर कैस 9 से ही क्वेश्चन पूछा था। यह क्या है? यह एक जीनोम की एडिटिंग टेक्नोलॉजी है जिसका उपयोग जीन के कार्य को संशोधित करने के लिए, अनुवांशिक कोड बदलने के लिए और डीएनए की एडिटिंग करने के लिए किया जाता है। आइए देखते हैं ये काम कैसे करता है। ये क्रिस्पर कैस 9 एक तरीके की कैंची के रूप में काम करता है, आप इसको सीजर कह सकते हैं, डीएनए कैंची के रूप में यह काम करता है। क्रिस्पर कैस 9 एक डीएनए कैंची के जैसा काम करता है। और यह टेक्नोलॉजी साइंटिस्ट के दिमाग में आई कैसे? एक बैक्टीरिया है जो कि वायरस के प्रति अपना डिफेंस मैकेनिज्म बना इसी टेक्नोलॉजी से बनाता है, अडाप्टेड फ्रॉम डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट वायरस ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया वायरस से बचने के लिए यही एक टेक्नोलॉजी अपनाता था कि वहाँ पे वायरस अपने डीएनए में वायरस का डीएनए भी ऐड कर लेता था। इसी से साइंटिस्ट प्रेरणा लेके क्रिस्पर 9 टेक्नोलॉजी बनाई। यह एक एंजाइम है जो कि गाइडेड आरएनए के थ्रू डीएनए तक पहुँच के उसको टारगेट करता है। जैसे आरएनए गाइड का काम करेगा, बताएगा कि इस जगह पे प्रॉब्लम है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइड आरएनए है, ये आपको बताएगा कि ये इतनी जगह पे प्रॉब्लम है, गाइड करेगा, आरएनए गाइड करेगा, उस पे आप कैस 9 या क्रिस्पर 9 एंजाइम प्रवेश करवाएंगे, वो उस जगह पे रिक्वायर्ड जगह पे पहुँच के उसको कट कर देगा, एंजाइम कट कर देगा, कट करने के बाद ये आपको ऐसा डीएनए प्रोफाइल प्राप्त होगा। अब कट करने के बाद आपको जो रिक्वायर्ड डीएनए आपने एक सिक्वेंसिंग करके रखा हुआ है डीएनए का कि मुझे इस डीएनए में ऐसे जो भी रिक्वायर्ड आपके गुण हैं वो चाहिए, तो या कि कोई बीमारी है, मान लेते हैं डीएनए कोडिंग में आपके कोई जेनेटिक बीमारी इसमें ऐड है, आपको पता है कि ये कोडिंग है इसका, इसको हटा दें तो बीमारी सॉल्व हो जाएगी, तो आप इसको हटा देंगे और ये जो पोर्शन है ये अपने आप जुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि डीएनए में स्वयं को मरम्मत करने की प्रवृत्ति होती है, इसमें स्वयं को मरम्मत करने की प्रवृत्ति होती है, यही क्रिस्पर कैस 9 करता है। आप इसको सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक स्ट्रेन है, इसको आप मान लीजिए कि डीएनए है, यहाँ से इसको कट करना है। अब ये क्रिस्पर कैस इसको आरएनए आप इसमें प्रवेशित करवाएंगे, वो बताएगा कि इतनी जगह पे प्रॉब्लम है, इतनी जगह पे प्रॉब्लम है, इसके बाद आप कैस 9 का नामक प्रोटीन भेजेंगे तो वो इतनी जगह को कट कर देगा, सॉरी वो इतनी जगह को कट कर देगा। अब कट करने के बाद ये डीएनए में अपने आप को जोड़ने की क्षमता होती है, तो ये डीएनए अपने आप को फिर से जोड़ लेगा इस जगह से, तो आप जो रिक्वायर्ड जो कटिंग थी डीएनए की वो आप प्राप्त कर लेंगे बिना किसी समस्या के। ये आप इसमें देख सकते हैं अनवांटेड सिक्वेंसिंग, ये एरिया जो है हमको अनवांटेड है, ये हम नहीं चाहिए, और ये है डिजायर्ड सिक्वेंसिंग, तो इसको हम कट करके इसकी जगह डिजायर्ड सिक्वेंसिंग को प्रवेश करवा देंगे। यही क्रिस्पर कैस 9 टेक्नोलॉजी का एक बेस है। और इसका अनुप्रयोग हम इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? मानव भ्रूण के जीन की एडिटिंग में, जीन में ही पूरी इंफॉर्मेशन कोडिंग होती है कि जो भी मान लेते हैं बच्चा है, बच्चे का आँख ब्राउन कलर का होगा,
अब कि कोई पेरेंट आए, पेरेंट बोले कि नहीं हमको ब्राउन नहीं ब्लू आइज चाहिए, ब्लू आइज चाहिए, तो वो उसकी जीन में एडिटिंग कर देंगे ब्लू आइज के लिए जो भी जिम्मेदार जीन होगा और ब्राउन आइज के लिए जो जिम्मेदार जीन होगा। इनकी पहचान कौन करेगा? इनकी पहचान करेगा RNA। ये भी आपको बताया, ये गाइड RNA होता है, ये इनकी पहचान करेगा। और यहाँ पे ब्राउन जीन, जहाँ ब्राउन कलर के लिए जो जीन जिम्मेदार होगा उसकी पहचान करेगा RNA। और उसमें हम Cas9 प्रोटीन प्रवेशित करवाएंगे तो वो ब्राउन आइज के लिए जिम्मेदार जीन को हटा देगा, उस पे हम ब्लू आइज के लिए जो जीन जिम्मेदार होगा उसको ऐड कर देंगे। यही है जीन एडिटिंग। तो इसका उपयोग हम CRISPR-9 टेक्नोलॉजी का यूज हम मानव भ्रूण में जीन एडिटिंग के लिए कर सकते हैं। फसल की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अनुवांशिक कोड बदल सकते हैं। जैसे अभी गोल्डन राइस है, गोल्डन राइस इसी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। वंशानुगत रोगों के उपचार के लिए कर सकते हैं। जैसे अभी आपको एक आँखों का उदाहरण बताया कि भूरी आँख वाला है तो आप उसको ब्लू कर सकते हैं जीन एडिटिंग करके उसके भ्रूण में। ऐसे ही आप रोगों का पहचान कर लेंगे कि अगर किसी की माँ बाप को कोई अनुवांशिक रोग है तो संभावना रहेगी कि उसके बच्चों में भी वही अनुवांशिक रोग ट्रांसफर हो जाए। तो उसके जीन को पहचान करके उसके भ्रूण में ही हम बदल देंगे, उसके जो जो जीन कारक होगा रोग क्या उसको हम बदल देंगे। वंशानुगत रोगों का उपचार भी इससे हो जाएगा और इससे कैंसर का उपचार भी सस्ता और आसान होगा जब ये टेक्नोलॉजी अपने फुल फ्लेज्ड पे होगी। एक इम्पॉर्टेंट है, ये दो बातें इम्पॉर्टेंट हैं जीनोम एडिटिंग की अन्य तकनीक ने। एक तो ये है ही क्रिस्पर Cas9, ये एक टेक्नोलॉजी है ही, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा एक टैलेंस टैलेन नाम की एक टेक्नोलॉजी है, TALEN, और जिंक फिंगर न्यूक्लियस, ये भी जीन एडिटिंग की ही, जीनोम एडिटिंग की ही टेक्नोलॉजी है। तीनों टेक्नोलॉजी TALENS, CRISPR-9 और जिंक फिंगर न्यूक्लियस। CRISPR-Cas9 के विकास के लिए इमैनुअल कारपेंटियर और जेनिफर डैना को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, 2020 में दिया गया था नोबेल पुरस्कार। ये भी आप याद रख सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक है BTI स्ट्रेन, बैसिलस थुरिंजिनेसिस इजराइलेंस। यह एक बैक्टीरिया का एक स्ट्रेन है जिसे भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने विकसित किया है। BTI, आप इसको याद रखिएगा, इसे ICMR ने विकसित किया है। कारण क्या है विकसित करने का? मच्छर मारने के लिए विकसित किया गया है, ये याद रखिएगा। BTI मच्छर मारने के लिए विकसित किया गया एक बैक्टीरिया का स्ट्रेन है। अब ये कैसे मच्छर को मारेगा? यह उसके लार्वा को नुकसान पहुंचाता है। जब यह लार्वा इस बैक्टीरिया को खाते हैं, उसका अंतर ग्रहण करते हैं, तो लगभग आधे घंटे के भीतर, सॉरी गलत लिख गया, आधे घंटे के भीतर उनकी आंतों को नष्ट कर देता है। ये बैक्टीरिया में टॉक्सिन्स जो होते हैं वह मच्छर के लार्वा को आधे घंटे के भीतर उसकी आंतों को नष्ट कर देते हैं और लार्वा बड़ा होने से पहले, मच्छर के फॉर्म में आने से पहले ही समाप्त हो जाता है। इस टेक्नोलॉजी इस सॉरी इस बैक्टीरिया के स्ट्रेन का नाम है BTI, BTI बैसिलस थुरिंजिनेसिस इजराइलेंस, ये याद रखिएगा। और इसे ICMR ने डेवलप किया है और यह मानव के लिए किसी भी तरीके से विषाक्त नहीं है। BTI मलेरिया फाइलेरिया डेंगू चिकनगुनिया जापानी इंसेफ्लाइटिस जैसे रोग वाहक जनित रोगों के खिलाफ भारत के प्रयासों में सहायता कर सकता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और इसका उपयोग हम जैविक खेती में कीट नियंत्रण के रूप में भी करते हैं। BTI का उपयोग जैविक खेती में कीट नियंत्रण के रूप में भी करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। आइए हम आज का अगला टॉपिक देख लेते हैं, पोप फेम। ये pre-2023 के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पोप फेम। पोप फेम क्या है? यह एक बैक्टीरिया से ईंधन बनाया गया है जिसे पोप फेम नाम दिया गया है।
और ये यूएसए के वैज्ञानिकों ने किया है, बैक्टीरिया से ईंधन विकसित किया है, इसे कोफेम नाम दिया है। कोफेम का पूरा नाम देख लेते हैं, पॉलीसाइक्लोप्रोपेनेटेड फैटी एसिड मिथाइल एस्टर, पॉलीसाइक्लोप्रोपेनेटेड फैटी एसिड मिथाइल एस्टर कोफेम का ये नाम है। कोफेम एक तरीके का ईंधन है जिसे हम रॉकेट में यूज करने वाले हैं। यह एक नया ईंधन का अणु है, इसे साइक्लोप्रोपेन रिंग्स के सात सेट्स के साथ बनाया जाता है, साइक्लोप्रोपेन रिंग्स के सात सेट के साथ बनाया जाता है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जबकि ये इम्पोर्टेंट है कि साइक्लोप्रोपेन प्राकृतिक रूप से एक बैक्टीरिया द्वारा निर्मित होता है। साइक्लोप्रोपेन ये ईंधन ही है, यह एक बैक्टीरिया द्वारा प्राकृतिक रूप से निर्मित होता है और इसे विकसित कर दिया यूएस के वैज्ञानिकों ने, और ज़्यादा जब जो कि व्यवहारिक रूप से उपयोग में आ सके। कोफेम में 50 मेगा जूल से अधिक का ऊर्जा घनत्व पाया जाता है, जबकि पेट्रोल में 32 मेगा जूल है, और RP-1 जो कि रॉकेट ईंधन होता है, केरोसिन आधारित रॉकेट ईंधन होता है, उसमें 35 मेगा जूल ऊर्जा घनत्व पाया जाता है। तो इसमें ये देखा गया कि रॉकेट ईंधन और पेट्रोल के ऊर्जा घनत्व दोनों से ज़्यादा है कोफेम का ऊर्जा घनत्व। तो इसे हम भविष्य में या कि निकट भविष्य में आदर्श रॉकेट ईंधन के रूप में देख रहे हैं, कोफेम को आदर्श रॉकेट ईंधन के रूप में देखा जा रहा है। इसे यूएस के वैज्ञानिकों ने डेवलप किया है और यह साइक्लोप्रोपेन रिंग्स के साथ अणु से बनाया जाता है जो कि एक बैक्टीरिया द्वारा निर्मित होता है। ये रहे हमारे आज के साइंस टेक के टॉपिक, ये टॉपिक कैसे रहे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।